दोस्तों हमारे साथ आज मौजूद होंगे इस फिल्म पे बात करने के लिए इस फिल्म के डायरेक्टर. ही इज अ मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान और आपने देखा होगा इनको करते हुए ड्रामास एंड फिल्म्स भी. और अब बना रहे हैं अपना नाम इन फिल्म मेकिंग. द वेरी हैंडसम, द वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग उस्मान मुख्तार. अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? Assalamualaikum जी, क्या हाल चाल है आपके? आई एम ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग. एंड लेट्स वेलकम द लीडिंग लेडी ऑफ द फिल्म, रबिया चौधरी. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र. आप कैसी हैं शादाब? आई एम ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग. सो उस्मान, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि व्हेन आर वी गोना सी डॉक्टर हारिस ऑन सबात? मैं जी देखिए, मुझे इजाजत नहीं है कुछ बताने की, और क्योंकि ये इस चीज को हम लोगों को जरा थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि ऑडियंस के लिए स्टोरी खराब ना हो, ऑडियंस स्टोरी के मुताबिक चले, स्टोरी से आगे ना चले, तो इस वजह से मैं बता नहीं सकता. लेकिन ये कि जल्द आऊंगा और बस थोड़ा सा इंतजार रखें और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा ड्रामा. इंशाल्लाह, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. सो द फिल्म बेंच, इसके पीछे आपका क्या मकसद था? व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर माइंड? बेंच जी, मेरे एक दोस्त हैं जो इस फिल्म के राइटर भी हैं, अली मुद्दार जी. उन्होंने और मैंने कुछ काम इकट्ठे किया है और उनकी और मेरी जो केमिस्ट्री है वो बड़ी मिलती है. हम लोगों की जो है सोच काफी एक जैसी है. तो मैंने एक मेरा आइडिया था जो मैंने अली के साथ शेयर किया कि इस तरह का आइडिया है, काम करना चाहोगे, कुछ लिखना चाहोगे इसके ऊपर? तो उसने कहा कि हाँ मैं लिखूंगा. और उसने जब लिखा तो ये मजाक मजाक में शुरू हुआ था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग उसने स्क्रिप्ट लिखा. और जब उसने लिखा तो फिर हम लोग थोड़े से सीरियस हो गए. फिर हम लोगों को एक एक्ट्रेस की जरूरत थी और हम लोगों का बजट बहुत कम था. तो हम लोग मतलब काफी लोगों से मुझे पूछते हुए, वैसे ही रबिया और मैं क्योंकि दोस्त हैं बहुत अच्छे, और हम लोगों ने अपना थिएटर इकट्ठे किया था, हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं. तो रबिया के साथ मेरा वो फिल्टर नहीं है. बाकी कितने मेरे कॉलीग हैं जिनसे मैं नहीं पूछ सकता था कि यार हमारा बजट कम है आप करेंगे. और रबिया इज, क्योंकि रबिया ऑल्सो मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड है, बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टर है. और मुझे लगता है कि एक्सप्लोर नहीं हुआ इसका टैलेंट प्रॉपरली. और मैंने उसको बोला, मैं रबिया आप करेंगे, मुझे थोड़ा डर भी था कि कम बजट में, बट इसने बिल्कुल कुछ, हाँ मतलब थोड़ा सा सोचा भी नहीं, ठीक है लेट्स डू इट. ये आई, इसने बहुत दिल लगा के काम किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. और मुझे, मैं थोड़ा सा एज ए डायरेक्टर मैं थोड़ा सा खपती हूँ. मैं बहुत जो है कि कहते चीजों को टाइनी डिटेल्स बहुत देखता हूँ और मैं बड़ा अनोइंग हो जाता हूँ सेट पे. और रबिया ने, रबिया की बड़ी मेहरबानी है कि उसने मतलब शी वेंट हेड विद इट और उसने मतलब ये मेरा डायरेक्टर मोड सहा. Well, माशाल्लाह बेंच गॉट सिलेक्टेड फॉर अ कपल ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, तो उस लिहाज से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. हम सारी टीम जो है, हमारे प्रोड्यूसर हसन भाई, हमारे राइटर रबिया, हमारी जो म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं नताशा एजाज, हम सब ने हर दफा जब हमारा एक ग्रुप है, जब भी हमारी किसी फिल्म फेस्टिवल से सिलेक्शन आती थी तो मैं वो ग्रुप पे भेज देता था और सारे यू नो इट वाज अनदर लाइक एक बेंचमार्क बन जाता था हमारे लिए. और हम लोग बड़े यू नो, और जब एक के बाद एक फेस्टिवल सिलेक्ट करता गया तो हम लोग और जरा कॉन्फिडेंट होते गए और ज्यादा मतलब थोड़े से वो भी हो गए कि यार फाइनली हम लोगों ने कुछ अच्छा बनाया है कि यू नो. बट अब ये है कि बिकॉज ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई और जो दिस पेंडेमिक, इसकी वजह से काफी चीजें अनसर्टेन है. जो फेस्टिवल्स हैं वो भी नहीं हो रहे, कुछ फेस्टिवल्स जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, कुछ फेस्टिवल्स जो है वो ऑनलाइन जा रहे हैं. तो अभी बड़ी अनसर्टेनिटी है, हमें भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या हो रहा है. बट यस, ये तकरीबन कोई 6 फेस्टिवल्स से अभी तक सिलेक्ट हो चुकी हुई है. एक फेस्टिवल जो है उनमें ये फाइनलिस्ट भी है. तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड. Well, wishing you all the best. So, Rabia, after watching the trailer, audience ka response kaisa raha hai? बहुत ओवरवेलमिंग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा माशाल्लाह से. और एक्सपेक्ट मैंने एक्चुअली किया था कि अच्छी तरह रिसीव होगा, लेकिन ये ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब इट्स जस्ट क्रेजी. बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, अभी तक मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे लोग you know, yeah, so it's really heartening to see. और उस्मान, आपको क्या लगता है रिएक्शन कैसा रहा?
बहुत अच्छा राजी, इतना प्यार मिला है लोगों से जिन्होंने ट्रेलर देखा है और अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मुझे उम्मीद है, हम सबको ये उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी जब इंशाल्लाह ताला हम रिलीज करेंगे। बट अभी तक जो हमें रिस्पांस मिला है ट्रेलर से और हमारा जो गाना है वो भी रिलीज हो रहा है, वन ऑफ द साउंडट्रैक्स इज रिलीजिंग, ओके, तो वो भी बल्कि रिलीज ऑलमोस्ट हो चुका है अभी, तो वो भी मतलब उसका भी बड़ा अच्छा रिस्पांस है। तो आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है कि जब आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स अप्रिसिएशन इज ऑलवेज वेलकम्ड। सो रवि, आप पहले भी उस्मान के साथ काम कर चुकी हैं, तो इस रोल में ऐसी क्या बात थी कि यू इमीडिएटली सेड यस टू उस्मान टू फॉर दिस रोल और इस पे दोबारा से काम उनके साथ करने के लिए? वेल, एक तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं एक्टर्स के लिए जिनको वो देखते हुए सोचते हैं कि वो करें या ना करें। मेरा क्राइटेरिया यूजुअली होता है ऑब्वियसली डायरेक्टर कौन है, तो डायरेक्टर उस्मान है और ऑब्वियसली आई वर्क विद हिम बिफोर, और काम करने से पहले भी मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि उस्मान के अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है कि आई मीन देयर वाज नो वे कि मैं नहीं कहती उसे। दूसरा क्राइटेरिया होता है स्क्रिप्ट का, जो कि इतनी अच्छी तरह लिखी हुई है कि वो भी ना कहना उस पर एक बहुत ही हमाकत होती। तो ये दोनों चीज़ें हो गई ऑब्वियसली, और हमेशा से मुझे तो मतलब मैं वेट कर रही होती हूँ कि उस्मान मुझे कहेगा कि ये स्क्रिप्ट यू नो इस पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है और कर लो। तो हाँ, मेरे लिए तो आई एम ऑनर्ड दैट इसने मुझे ट्वाइस इन अ रो दो शॉर्ट फिल्म्स इसने बनाई हैं और दोनों में यू नो मुझे इसने ही मेड मी अ पार्ट ऑफ देम, सो आई एम एब्सोल्युटली फ्लॉर्ड। That's great to hear. So Usman, same question for you, के आपने रबिया के साथ दोबारा काम करना पसंद किया, ऐसा क्यों, और प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट। रबिया के साथ एक तो मैंने ये बोला कि हम लोगों का, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो यू नो अक्सर तौर पे एक डायरेक्टर जब किसी नए एक्टर के साथ काम कर रहा होता है तो एक फिल्टर होता है, और वो बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो वो पहली दफा किसी एक्टर के साथ काम कर रहे हो वो तोड़ के बता देते कि यार आपने ये नहीं अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा नहीं था, मुझे नहीं अच्छा लगा। रबिया के साथ मेरी वो एक उस तरह का रिलेशनशिप है कि मैं इसको अगर ये नहीं ठीक करी तो मैं बिल्कुल ब्लंटली इसको बोल सकता हूँ, ये मुझे ब्लंटली बोल सकती है कि तुम ये ठीक नहीं करे, और ये मुझे सजेशंस दे सकती है एंड वी कैन फिक्स व्हाटएवर आई एम डूइंग रॉन्ग और व्हाटएवर शी इज डूइंग रॉन्ग, जो अक्सर तौर पे एक्टर्स के साथ मैं नहीं कर सकता। दूसरी चीज ये कि रबिया में और ये मैं वाकई मानता हूँ, रबिया में बहुत ज्यादा रॉ टैलेंट है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जो मुझे नहीं लगता कि इसका एक्सप्लोर हुआ है, एंड आई रियली रियली वांट दैट टू काइंड ऑफ कम आउट, और मुझे बहुत मजा आता है रबिया के साथ काम करते हैं, शी सो ऑर्गेनिक, शी सो रॉ, व्हेन आई वांटेड टू बी रियलिस्टिक शी सो कन्विंसिंगली रियलिस्टिक, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नो मेक मी वांट टू काइंड ऑफ यू नो इंशाल्लाह। सो रबिया, कोई ऐसी बात आपने सीखी हो इस फिल्म के कैरेक्टर से? आई थिंक शादाब, जिंदगी जैसे चल रही होती है और जो भी काम आप कर रहे होते हैं आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं हर वक्त। इस कैरेक्टर से ऑब्वियसली आई कैन एक्चुअली रिलेट टू दिस कैरेक्टर। इमान का कैरेक्टर एक बहुत रिलेटेबल मेरे लिए था, और I can't exactly say कि मैंने कैरेक्टर से क्या सीखा, लेकिन as an actor, I think मैंने एक्टिंग काफ़ी सारी सीखी इमान को प्ले करके, थैंक्स टू उस्मान, थैंक्स टू अली मुदार, कि जो यू नो दे मेड सच देयर क्राफ्ट, उनका क्राफ्ट इतना पक्का है कि मतलब और कुछ रह नहीं गया था, तो मैंने तो उसको जी भर के यू नो जिसको कहते हैं कि मजा लिया उसका,
तो आई थिंक एज एन एक्टर आई टुक अवे अ लॉट फ्रॉम प्लेइंग इमान इन बेंच. वेल रबिया, आपका एक डायलॉग है एक फिल्म में, आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पैक्टफुल डायलॉग. वी आर डिफाइंड बाय द चॉइसेस वी मेक. फॉर एवरी 10 चॉइसेस यू मेक, यू आर लकी टू गेट टू राइट, एंड यू आर लकियर इफ द चॉइसेस आर फॉर लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट्स. प्लीज शेड सम लाइट फॉर आवर ऑडियंस ऑन दिस. थोड़ा सा बताएं, इलैबोरेट करें इस लाइन के ऊपर. वेल ऑब्वियसली जब राइटर ने ये लाइन लिखी थी, सो आई वुड हैव लव्ड कि वो खुद बताते कि उनका क्या नजरिया था जब वो ये लाइन लिख रहे थे. लेकिन मैंने उसको जिस तरह समझा, या मेरे लिए इस लाइन का ये मतलब निकलता है कि जिंदगी में हर चीज़ जो है वो चॉइसेस होती हैं. मतलब ये भी चॉइस है कि मैं आज वाइट पहनूं या काला पहनूं. हर चीज़ एक चॉइस है, राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं. वो छोटी छोटी आप हर वक्त चॉइसेस कर रहे होते हैं, डिसीजंस ले रहे होते हैं. फिर बड़ी वाली चॉइसेस आती हैं जो कि चेंज द कोर्स ऑफ वेयर योर लाइफ इज गोइंग, जो कि आपकी जिंदगी के जिस तरह जिंदगी होगी उसको डिटरमिन करती हैं कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी. उन चॉइसेस पे थोड़ा सा लक का भी हाथ होता है, क्योंकि यू नेवर नो विद यू नो द वे दैट थिंग्स आर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस हो गया है, हमने कहाँ सोचा था कि होना है. लेकिन क्या पता कि 2 साल पहले मैंने कोई ऐसी चॉइस ली हो जिसकी वजह से मैं अभी सुकून में हूँ उसकी वजह से. और अगर मैंने वो चॉइस नहीं ली होती तो अभी मैं सोच रही होती कि आई हाय यू नो, अगर मैं वो नहीं करती तो अभी मैं इस यू नो प्रॉब्लम में होती. तो बेसिकली उसका यही मतलब है कि आप लकी हैं अगर आपके जो अच्छी वाली आपने जो चॉइसेस ली हैं या जो इम्पैक्टफुल चॉइसेस ली हैं जिनसे कोई फ़ायदा हुआ है या वो यू नो सिग्निफिकेंट रही हैं आपकी ज़िंदगी में, वो जो है यू नो यू आर लकी अगर वो चॉइसेस वो हों लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट्स के लिए हों, यानी कि जिंदगी में आपके कोई फर्क पड़े और वो अच्छी चॉइसेस हों. ये उस्मान, डायरेक्शन, एक्टिंग एंड होस्टिंग, और क्या है आपकी लिस्ट में एंड व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट वन? मेरे लिए जी डायरेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू. एक्टिंग उसके बाद आती है, होस्टिंग. मैं होस्ट हूं नहीं, बस एक आई गेस वो आई मीन इट हैपेंड. But yeah, acting is on number 2 and direction is my first love. Okay, fair. So COVID-19 की जो situation बन गई है पाकिस्तान में, दुनिया भर में, when do you think Bench will release considering the current situation? Again, हमें नहीं पता इस बारे में, क्योंकि अभी हम लोग you know अभी film festivals कुछ हैं जिनसे हमने we have to hear back from them. अभी कितने film festivals हैं जिन पे ये film गई भी है selection के लिए, लेकिन उनकी अभी dates नहीं आई हैं. तो उन्होंने actually अभी ना हमें selection का बताया, ना हमें ये बताया कि it hasn't been selected. अभी तक हमें we haven't heard anything from them. तो अभी हम उसका भी इंतजार करेंगे, but hopefully within this year we're going to release it inshallah. So Rabi, how do you think the entire situation is impacting the media industry? Kyunki ek to film ke bare mein, lekin other than film as well, jaise aap modeling mein bhi hain, to us bare mein thoda sa share kare. Aapko kya lagta hai kitna bada impact hai aur kya ho raha hai? I think kafi detrimental is waqt to situation chal rahi hai aur we're all confused right now. It's a time that we have no idea कि हम किस तरह इसको handle करें. अभी तो media को छोड़ के as it is, the disease itself, the virus itself, उसको किस तरह handle करें. government भी थोड़ी सी you know बौखलाई हुई है. तो हाँ जी, काफ़ी it's a very scary time for all of us, and hoping that जो भी हमारी नई reality होगी उसको हम जल्दी figure out कर लें और start कर लें काम. Inshallah. My next question is for the both of you. कोई ऐसा moment from the sets of the film जो आप audience के साथ share करना चाहेंगे? ये जी रबिया, आपको शायद बताएं, मुझे रबिया के पास ज्यादा story दूंगी मेरे से, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत ही director mode में होता हूँ, तो मुझे ज्यादा I don't. So रबिया, stories तो बहुत हैं, लेकिन लेकिन एक मजेदार बात मैं एक्चुअली वो उस्मान खुद भी बड़ी मजे की हमारी एक सिचुएशन हुई थी
सो मैं जो हूँ वो ऑब्वियसली कराची में रहती हूँ और उस्मान इस्लामाबाद के बाशिंदे हैं. तो जब भी हम काम करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है ऑब्वियसली बजट के कंस्ट्रेंट की वजह से कि किसी ना किसी तरह मैं वहाँ पहुँच जाऊँ और हो जाए. यानी मैं लाहौर में हूँ तो हम इस तरह उसको डेट्स कोऑर्डिनेट इस तरह कर लेते हैं कि मैं वहाँ से होती भी इस्लामाबाद आ जाऊँ. अच्छा जी, तो मैं पहुँच गई, हमने कर लिया. जब ट्रेलर शूट करना था तो आई वॉज इन इस्लामाबाद फॉर अनदर शूट. तो हमने ट्रेलर ट्रेलर जब हमने शूट करना था तो उस्मान ने ये बाद में डिसाइड किया कि ट्रेलर भी होना चाहिए इसका. एंड आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि इतनी शॉर्ट फिल्म का भी ट्रेलर तुम बनाओगे, मतलब सही है, अब बना रहे हो तो बना लो. ही सेड हाँ हाँ, हम ट्रेलर भी बनाएंगे. एंड हमने एक बार इसको आई थिंक शूट कर लिया था जिसमें हमारी एक ही टेक सही निकली थी. उसके साथ भी हम दोनों खुश नहीं थे. मैंने भी कहा नहीं नहीं छोड़ दो इसको, तो स्क्रैप कर दो, बल्कि डिलीट ही कर दो. और उस्मान ने भी कहा हाँ जरा सही नहीं है, लाइट चली गई थी, वी कुडंट शूट एनी मोर. उसके अलावा हमने 6-7 टेक्स ली थी और क्योंकि वो मूवमेंट वाला शॉट था और कैमरा भी हैंड हेल्ड था तो ऑब्वियसली नहीं हो सका. और एक ही टेक हमारे पास ट्रेलर की थी पूरी. अच्छा जी, कम अबाउट अ मंथ लेटर एंड उस्मान सेज टू मी कि नहीं, हमें ट्रेलर को रीशूट करना पड़ेगा, वी हैव टू रीशूट इट बिकॉज वी वॉन्ट अ ट्रेलर, वी वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू रिलीज इट. मैंने कहा ठीक है, देन यू विल हैव टू सेंड मी अ टिकट बिकॉज अभी तो मेरा कोई वो, खैर ही सेंट मी अ टिकट एंड एवरीथिंग. दो दिन के लिए मैं इस्लामाबाद गई. अच्छा जी, जिस दिन मैं वहां पहुंची हूँ भरपूर किस्म की इस्लामाबाद में आउट ऑफ नोवेयर बारिश शुरू हो गई. दैट्स व्हाट आई थॉट. सो वी लाइक ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल, हाँ आई वी लाइक इंशाल्लाह कल जो है ये बंद हो जाएगी और कल सूरज निकल आएगा. सही है, सो गए, उठे, कोई सीन ही नहीं था सूरज निकलने का, बारिश होती रही होती रही. अच्छा एक और दिन रह गया था. खैर हम शूट पे पहुंच गए, जो 15 मिनट का सूरज निकला हम शूट पे पहुंच गए, एक छोटा सा पार्ट हमने उसका कर लिया. उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई एंड देयर वाज नो वे वी कुड शूट इट. सेकंड नेक्स्ट डे अगेन द सेम थिंग हैपेंड एंड आई हैड अ फ्लाइट बैक एंड आई हैड टू कम बैक. मैं वापस आ गई, ट्रेलर हम शूट नहीं कर सके. और फिर बेसिकली यही कि ये जो ट्रेलर है जो आप देख रहे हैं वो हमारा, हमने अपनी तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया था. वो ट्रेलर एक ही टेक थी, हमारे पास उसके अलावा कोई टेक नहीं थी जो हम, यू नो, कोई सेफ्टी नहीं थी. तो दैट्स व्हाट द ट्रेलर इज बेसिकली, हमारी यू नो एक डेस्परेट सी जो एक वो होप रह गई थी वही हमने, फिर उस्मान ने वही ट्रेलर लेके और उसको रिलीज कर दिया. ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक्चुअली ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमें ट्रेलर, एक तो इनिशियली मैंने कहा था कि हमें ट्रेलर चाहिए, बट बाद में हमारा एक फिल्म फेस्टिवल है, साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल टोरंटो, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपको अपनी पूरी इलेक्ट्रॉनिक प्रेस किट देनी है साथ, जिसके अंदर आपका ट्रेलर भी होना चाहिए. तो उस वक्त बहुत जरूरी हो गया ट्रेलर बनाना. अब हमने जो एक जो ट्रेलर में आप पूरा एक वो लॉन्ग शॉट देखते हैं जिसमें वो कैमरा पीछे जा रहा है, रबिया बात कर रही है, वो बहुत टेक्निकल था बिकॉज वो हर डायलॉग उस मूवमेंट पे होना था एंड येट वी वॉन्टेड इट टू बी वेरी नेचुरल और मतलब वो थोड़ा फोर्स ना लगे और ये वो, तो वो थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था इतनी लंबी मोनोलॉग करना विद द एग्जैक्ट कैमरा मूवमेंट और ये वो. खैर वो हम लोगों ने एक दफा शूट कर लिया. जब दोबारा रबिया आई तो उस वक्त बारिश हो रही थी. अब हमें किसी तरीके से उस ट्रेलर को जोड़ना था, अब वो बारिश ना रुकी. तो फिर हम लोगों ने जो शुरू का आप सीन देखते हैं जो दुकान वाला सीन, वो एक निहायत ही रेनी डे पे शूट हुआ है जिसको हमने लाइटिंग के थ्रू थोड़ा सनी बनाया है. अगर आप में से कोई व्यूअर्स इस मूड में हैं थोड़ा टाइम वेस्ट करने के, तो आप अगर क्लोजली शुरू वाला सीन देखें तो पीछे बारिश हो गया रबिया की जब वो दुकान पे आती है. और फिर वो जब आप शिफ्ट करते हैं तो जब रबिया इज आउटसाइड, इट्स अ सनी डे, तो वो दो डिफरेंट डेज को बड़ी मुश्किलों से, बड़ा हम लोगों ने सोचा कि क्या करें, किस तरीके से करें. फिर वी काइंड ऑफ एडिटेड इट इन अ वे कि वो पता नहीं लगता कि वो बारिश और सनी डे के दरमियान में हम लोगों ने उसको एडिट किया है. बट या हो गया, शुक्र है. That's great to hear. So Rabia, I've seen the trailer and I think you've done a wonderful job. आपने बहुत अच्छा काम किया है. So आपके हिसाब से Rabia a better model or a better actor? A better actor for sure. I personally think. Okay. And Rabia, what's your take on it? Thank you, Usman, and thank you, Shadab. It's very sweet of you guys.
मेरा ख्याल ये है कि ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं. दोनों क्राफ्ट जो हैं वो बहुत अलग अलग उनकी यू नो रिक्वायरमेंट्स भी हैं और उनकी फील भी बहुत अलग अलग है. तो आई थिंक द फेयर थिंग टू डू इज़ टू आस्क अदर पीपल हाउ दे लाइक टू सी मी एंड लकी फॉर देम कि उनको वैरायटी मिल जाती है कि मैं वो भी करती हूँ और वो भी करती हूँ. और एज आई सेड दोनों में डिफरेंट फील्ड्स हैं और दोनों मैंने भरपूर किस्म से मतलब दोनों इंडस्ट्रीज में आई एम अ पार्ट ऑफ देम. तो आई थिंक इट बी अनफेयर टू से कि कौन सा, लेकिन जो मैं ज़्यादा जिसमें दिल लगता है वो डेफिनेटली एक्टिंग है. Okay. Acting as a craft for sure. Fair. So my next question is about short films. Aksar short films do not make it to the screens at home. Ki aksar aapko ye nahi dekhega dekhne ko milega ke family baith ke dekh rahi hai. To us bare mein aapka kya khayal hai? Aap dono ka actually I would like your opinion. Ji, I don't know if this film is going to make it to TV. I actually have no idea ki agar ye bhi TV pe chalegi ya nahi. Kyunki zyada tar is tarah ki films aap online hi dekhte hain. Bilkul. Zyada se zyada agar festivals pe chal rahi hain to obviously aapko wo bhi nahi dekhne ko milti. Hamari to dono film hamari jo Aasiqui thi isse pehle wali wo bhi online hai. But it would be great agar ye TV pe chal gayi to I think bahut acha hoga aur independent films ke liye agar ek alag se ek cheez shuru ki jaye jisme ek program ho ya ek you know under a banner ke ek short film competition or something for TV, I think it would be great for the industry because I know myself ke there are so many people, very talented people who do not, who think literally out of the box, and I think it would give a tremendous platform to those people, and I am included in those people. I think short films ko hona chahiye. I think agar channels chahe to wo kar sakte hain, and it's honestly up to the channels because short films ki ek to duration kam hoti hai, so I think they need more than one or two short films to do you know any kind of showing of those shorts. Short films kyunki ek bahut different genre hai, it comes in like parallel cinema, indie films, aur logon ko zyada awareness nahi hai iske bare mein. Khas taur pe Pakistan mein zyada awareness nahi hai ki short films kya hoti hain. Unko short films ka bataye to unko yahi lagta hai ki film hai और वो फिल्म यू नो. सो आई फील लाइक थोड़ी सी अवेयरनेस हम लोगों को करनी चाहिए, यू नो क्रिएट करनी चाहिए अवेयरनेस लोगों को. और आई थिंक हाँ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए. मेरे ख्याल से हुआ भी है एक दो दफा कुछ शॉर्ट फिल्म्स का हुआ है आई फील, बट अगेन इट्स ऑनेस्टली अप टू द टीवी चैनल्स. इफ दे वांट टू दे डेफिनेटली शुड, दे विल बी डूइंग अ ग्रेट फेवर टू ऑल द इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स who don't have a platform. Bilkul, that's absolutely right. So Usman, are you coming towards drama direction? I don't think I'm made for drama directions. I don't think I will do well with dramas kyunki main us tarah ki direction I don't think I'm capable of. Yes, I definitely want to direct films. So okay, so maybe, when's the feature film coming out? When's the next one? Well, I mean, we have no idea. Once we find a producer who's willing to invest into, you know, a project that I have, we'd love to. But abhi tak we have no idea. Okay. And well, my last question to both of you is: any messages for the audience? This can be about the film or even the situation that we are in. जी, सबसे बड़ा तो इस वक्त यही message to the audience है कि please. आप लोग ख्याल रखें, मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइज़र, ये तीन चीज़ें, कितना टाइम लग जाता है इन चीज़ों को रखने में, अपने बैग में कैरी करने में. बल्कि देखें, मैं पानी की बोतल भी अपनी आज साथ लाई हूँ ताकि मुझे किसी चीज़ को हिला हाथ जितना कम से कम, अगर आप काम कर रहे हैं अपनी वर्क प्लेस में, बिकॉज सम पीपल हैव टू गेट आउट एंड वर्क, जितना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबली, छोटा सा 10 मिनट लगेंगे प्रिपरेशन करने में, क्यों दूसरों की भी जिंदगियां, अपनी भी जिंदगी आप लोग रिस्क पे डाल रहे हैं. दिस गोज फॉर एवरीबडी. मतलब आप ये ना सोचें कि आप हेल्दी हैं तो ये नहीं लगेगा आपको, या लग भीज गया तो सही हो जाएगा. आप
you're aiding in spreading it. आप सिंपल सी ये बात समझ लें कि अगर आपकी वजह से 5 और लोगों को लग रहा है तो वो 5 और लोग जाके 50 और लोगों को लगा रहे हैं. ये सिंपल सी चीजें प्लीज समझ जाएं, क्योंकि इस वक्त रोना आ रहा है देख के सिचुएशन के कितना लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे. और यू नो गवर्नमेंट इज वन थिंग, ठीक है, वो एक अलग चीज है, वो चाहे जो करें ना करें छोड़ दें उनको, दफा करें, इन सारी चीजों में मत पड़े, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएं. इंशाल्लाह ताला जब सब लोग होते हैं ना इस तरह तो वो खुद ही डिफरेंस आ जाता है. ये मेरी बस एक बहुत ज्यादा बड़ी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल. बिल्कुल उस्मान, मैं एग्जैक्टली ये बात बोलूंगा, प्लीज SOPs को फॉलो करें, भूल जाएं पिकनिक्स, भूल जाएं एक दूसरे के घर जाना मिलना. मैं कभी कभार बाहर निकलता हूँ क्योंकि मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में हूँ अपनी वालदा की वजह से. मैं जब दवाइयाँ लेने के लिए या कुछ ग्रोसरीज लेने के लिए निकलता हूँ बाहर, तो मैं देखता हूँ कि किस तरीके से लोग डिवाइडर पे बैठे ताश खेल रहे हैं या वैसे तस्वीरों के फोटो सेशन हो रहे हैं और ये हो रहे हैं. और मुझे हैरानगी होती है कि हम किस तरीके से, क्या होगा जब अभी देख रहे हैं आप और इतनी डेथ्स हो रही हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं. अब तो मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो मेरे जानने वाले हैं उनको हो गया है. तो ये बहुत एक सीरियस चीज है. तो मुझे नहीं समझ आती क्या होगा जिससे हम लोग इसको सीरियसली लेना शुरू करेंगे. और खुदा का वास्ता मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद कर दें. इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन सोशल मीडिया जिसपे लोग आपके जो असल चीज करनी होती है उसके बजाय गलत चीजों पे पड़ जाते हैं, यू नो. सो प्लीज 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 स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज, फॉलो द SOPs, स्टे होम इफ यू कैन. ये मतलब बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं चलेगा. अगर आप फॉलो करेंगे तो जल्द खत्म होगा. हम लोग एक दफा पीक से, अभी देखें हम लोगों को ख्याल नहीं है लेकिन हम लोगों ने इतना प्रेशर डाल दिया अपने हेल्थ केयर सिस्टम पे कि अब जो गरीब आदमी है उसके लिए भी प्रॉब्लम है कि वो हॉस्पिटल में अगर खुदा ना खास्ता किसी अंडर प्रिविलेज्ड या डेली वेजर को इस तरह ये इस बीमारी का शिकार हो जाएगा. हॉस्पिटल्स अब पेशेंट्स कम ले रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स की भी कैपेसिटी बढ़ गई है. तो ये नहीं है कि हॉस्पिटल्स का कोई आपके साथ वो है, लेकिन हॉस्पिटल्स अब नहीं अफोर्ड कर सकते ज्यादा लोगों को लेना बिकॉज उनके पास बेड्स नहीं है, यू नो. सो आप किस तरीके से, और वो आप किस तरीके से करेंगे. जो आप अपने मेरी अपनी भांजी है जो डॉक्टर है वो रोज जाती है हॉस्पिटल, तो वो सारे अपनी जान को खतरे में डाल के आप लोगों के लिए अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं और दिन रात काम कर रहे हैं, अपने बच्चों से नहीं मिल रहे, आपका इतना सा फर्ज बनता है कि आप लोग खुदा का वास्ता बेसिक SOPs फॉलो कर लें बस. Absolutely right. Thank you for that wonderful messages. I think it's very important that our audience learns from it. On this note, thank you so much, Rabbi, and thank you so much, Usman, for being on this show. It was wonderful having this chit-chat with you. Iske saath saath wishing you all the best for your movie, of course, and we are very excited to watch it as well.